हर हर महादेव। शिव पुराण श्री कला संहिता के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। श्री कला संहिता में कुल अध्यायों की संख्या 23 है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से। जो प्रधान प्रकृति और पुरुष के सृष्टि पालन और संहार के कारण है, उन पार्वती देवी एवं देवाधिदेव भगवान शिव को उनके गण एवं पुत्रों सहित बारंबार प्रणाम है। प्रथम अध्याय। व्यास जी एवं शौनक जी की वार्ता। ऋषियों ने कहा, हे महामुने, आपने हम पर कृपा करके हमें उमा संहिता सुनाई, अब आप हम पर कृपा कर हमें शिव तत्व को बढ़ाने वाली परम दिव्य एवं कल्याणकारी कैलाश संहिता सुनाएं। तब ऋषियों की प्रार्थना सुनकर व्यास जी बोले, ऋषिगण, एक बार हिमालय पर निवास करने वाले ऋषि मुनियों ने काशीपुरी के दर्शन का विचार किया और विश्वेश्वर का दर्शन करने हेतु वहां पहुंच गए। उन्होंने काशी पहुंचकर मणिकर्णिका में गंगा जी में स्नान किया, तत्पश्चात शतरुद्रीय मंत्र से भगवान शिव की स्तुति की। उसी समय सूत जी भी पंचकोसी देखने की इच्छा से वहां पहुंचे। सूत जी को वहां देखकर ऋषि मुनियों ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे महाभाग सूत जी, आप परम शिव भक्त और ज्ञान के सागर हैं। आपके हृदय में पुराणों की कथा स्थित है, आप परम गुरु हैं। हम सब आपके मुख से निकली हुई अमृतमय कथा को सुनना चाहते हैं। हम पर कृपा करके हमें देवाधिदेव भगवान शिव का परम ज्ञान सुनाइए। ऋषियों की इस प्रकार की गई प्रार्थना को सुनकर सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, स्वरोचिष मनु ने नैमि शरण में तपस्वी ऋषियों के साथ सिद्धि प्रदान करने वाला यज्ञ किया। यह यज्ञ 1000 वर्षों तक चलता रहा। तत्पश्चात उन्होंने भगवान शिव का स्मरण करके शिव भक्ति में भस्म और रुद्राक्ष धारण किया। तभी वहां मुनि वेद व्यास आ गए। मुनियों ने उन्हें आसन पर बैठाया। तब वे पूछने लगे कि बताइए, इस यज्ञ को करने में आपका क्या प्रयोजन है? व्यास जी का प्रश्न सुनकर नैमि शरण के तेजस्वी पराशर पुत्र बोले, हे कृपा सागर, इस अद्भुत महायज्ञ का अनुष्ठान करने का कारण ओमकार के अर्थ को जानना है। इस परम ब्रह्म परमेश्वर शिव जी के स्वरूप को जानना और समझना चाहते हैं। हम सब आपके शरण में आए हैं। हम अल्प बुद्धियों के संदेह को दूर करें और हमें शिव ज्ञान प्रदान कर हमारी जीवन रूपी नाव को पार करा दें। हमारी एकमात्र इच्छा शिव तत्व को जानने की है। मुनिगणों सहित पराशर पुत्र की इस प्रकार की गई प्रार्थना सुनकर महामुनि व्यास जी प्रसन्न होकर उन्हें ओमकार रूप भगवान शिव का पार्वती सहित मन में स्मरण करते हुए बोलने लगे, दूसरा अध्याय। पार्वती जी का शिव जी से प्रणव प्रश्न करना। व्यास जी बोले, हे मुनिवर, भगवान शिव का वास्तविक ज्ञान ही प्रणव अर्थ को प्रकाशित करने वाला है। शिव जी का यह ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जिस पर शिव जी की विशेष कृपा होती है। प्राचीन समय में
दाक्षायणी सती ने अपने पति भगवान शिव की निंदा सुनकर अपना शरीर त्याग दिया था। उन्होंने हिमालय के घर जन्म लिया। देवर्षि नारद की प्रेरणा से शिव जी की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर पति रूप में प्राप्त किया। एक दिन भगवान शिव देवी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। देवी पार्वती ने शिव जी से कहा, हे देव, आप मुझे मंत्र दीक्षा देकर विशुद्ध तत्व प्रदान करें। श्री पार्वती जी के वचन सुनकर शिव जी बोले, देवी, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। यह कहकर उन्होंने पार्वती जी को प्रणव मंत्र प्रदान किया, परंतु देवी इससे संतुष्ट न हुई और बोली, प्रभु, आपने मुझे ओमकार रहित उपदेश दिया है। इसकी व्यापकता एवं कला और पंचात्मकता के बारे में भी विस्तार से बताइए। इस प्रणव की उपासना कैसे और कहाँ की जाती है? इसके अनुष्ठान की विधि, स्थान और इससे मिलने वाले फल के बारे में भी मेरा ज्ञान बढ़ाने की कृपा करें। स्वामी, कृपा कर मुझे इस तत्व से अवगत कराकर मेरे श्री ज्ञान में अभिवृद्धि करें। देवी पार्वती की इस विनय पूर्ण प्रार्थना को सुनकर शिव जी उन्हें प्रणव की पूर्ण कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। तीसरा अध्याय, प्रणव पद्धति। भगवान शिव बोले, हे प्राण प्रिया, हे देवी, आपकी इच्छा पूरी करना मेरा धर्म है। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आपको प्रणव कथा सुनाता हूँ। प्रणव को जानने वाला शिव तत्व का भी ज्ञाता हो जाता है। प्रणव मंत्र सब मंत्रों का बीज मंत्र है। यही प्रणव सर्वज्ञ और सबका कर्ता है। ओम नामक इस एक अक्षरीय मंत्र में शिव सदा ही विद्यमान रहते हैं। इस संसार की सभी वस्तुएं गुणमयी होते हुए भी स्थावर और जड़ात्मक दिखाई पड़ती हैं। यही प्रणव का अर्थ है। यह ओम मंत्र ही सब अर्थों का साधक है। इसी आकार प्रणव से शिव अर्थात मैं सर्वप्रथम इस जगत का निर्माण करता हूँ। वही शिव ही प्राण रूप और प्रणव शिव रूप है। मैं ही ब्रह्म ऋषि और एकाक्षर रूप हूँ। इस संसार में प्रणव ही सबका करता है। मुमुक्षु ही इस निर्विकार परमेश्वर प्रणव को जान और समझ सकते हैं। प्रणव मंत्र ही सभी मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है और शिव मणि माना जाता है। यही ओमकार मैं काशी में प्राण त्याग देने वालों को प्रदान करता हूँ। इसे जानने वाले को परम सिद्धि प्राप्त होती है। इस पवित्र प्रणव रूपी ओमकार मंत्र को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम कला का उद्धार करें। जो पहले आकार को प्राप्त कर चुके हों उन्हें निवृत्त कला की प्राप्ति का विधान करना चाहिए। तत्पश्चात उकार में ईंधन, मकार में काल कला, नाद में दंड और बिंदु में ईश्वर कला का उद्धार करने का उपाय करें। ऐसे ही पंचवर्णीय प्रणव का उद्धार होता है। इन तीन मात्राओं और बिंदु नाद का जाप करने से प्राणियों को मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही मंत्र सबके हृदयों में प्राण बनकर जीवन प्रदान करता है। फिर यही ओम हो जाता है। इसी ओम का वर्णन वेदों में भी है और यही ओमकार मैं हूँ। इसी के आकार के रजोगुण से ब्रह्मा, उकार से प्रकृति, सत्य गुण से जगत के पालनकर्ता श्री हरि और मकार से पुरुष तथा तमोगुण से
पापियों का संहार करने वाले शिव उत्पन्न होते हैं। तत्पश्चात साक्षात महेश्वर जो बिंदु रूप हैं और नाद रूप हैं उनका प्राकट्य होता है। यही सब पर कृपा करने वाले हैं, इसलिए जब भी शांत चित्त से ध्यान लगाएं उस समय नाद रूपी शिव का ही स्मरण करें। वे ही साक्षात मंगल रूप हैं। यह शिव ही सर्वज्ञ सत्य के कर्ता सर्वेश निर्मल अविनाशी अद्वैत और परम ब्रह्म हैं। वही व्यापक हैं और हर जगह स्थित हैं। इसलिए हमेशा सद्य वामदेव घोर पुरुष ईशान नामक ब्रह्म स्वरूप का ही स्मरण करें। यही मेरी मूर्ति है, यही प्रणव मंत्र की उत्पत्ति और पद्धति है। चौथा अध्याय, संन्यास का आचार व्यवहार। शिव जी बोले, हे देवी पार्वती, अब मैं तुम्हें संन्यास और आहणिक क्रम के विषय में बताता हूं। सर्वप्रथम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और अपने आराध्य गुरु के चरणों का स्मरण कर उनके मनोहर रूप को नमस्कार करें। हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हुए कहें कि भगवान, सुबह से लेकर रात तक मैं जो कुछ भी कार्य करता हूँ उसमें आपकी ही प्रेरणा शामिल है। वही मुझे हर मुश्किल कार्य को करने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करने वाली है। किसी भी कार्य को करने का आप ही मुझे बल प्रदान करते हैं। हम आपकी पूजा करते हैं, कृपा कर हमारी पूजा स्वीकार करें। यह कहकर गुरु से आज्ञा लेकर आसन पर बैठें। आसन पर बैठकर प्राणायाम करें, आसन में ध्यान लगाएं और 6 चक्रों का स्मरण करते हुए उन चक्रों के बीच में मुझ सच्चिदानंद निर्गुण ब्रह्म और अनामय रुद्र शिव का चिंतन करें। तत्पश्चात ध्यान एवं पूजन से निवृत्त होने के बाद ही अपने अन्य कार्य करने आरंभ करें। सर्वप्रथम उठकर देवाधिदेव सर्वेश्वर का ध्यान करना भक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला है, इसलिए ध्यान के बाद ही अन्य कार्य करने चाहिए। फिर अपने नित्य प्रतिदिन के कार्यों को करें। स्नान करने के पश्चात पुनः गुरु द्वारा बताई गई विधि के अनुसार पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। ओमकार का मन में ध्यान करते हुए 3 बार अर्घ दें। तत्पश्चात ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए 12 बार तर्पण करें। फिर आचमन करके 3 बार प्राणायाम करें। पूजा के लिए पूजा स्थान पर जाते समय मौन अवस्था में हाथ पैर धो कर ही जाएं। प्रवेश करते समय दाहिने पैर को ही आगे रखें। पांचवा अध्याय, संन्यास मंडल की विधि। ईश्वर बोले, पूजा के स्थान में प्रवेश करने के पश्चात उस स्थान की धरती को लीपें। 4 वस्त्रों को लेकर चौकों के समान की कल्पना करें। ताल पत्र के समान लंबे चौड़े बराबर 13 भाग करें। 4थे मंडल में पश्चिम की ओर मुख करके बैठें। पूरब की तरफ से सूत्र लेकर दक्षिण और उत्तर के क्रम में 14 सूत्र बिछाएं। इस प्रकार 169 कोण हो जाएंगे। इन्हीं कोणों के बीच कणिका के मध्य दलाष्टक होता है। तत्पश्चात दल संधि को श्वेत पीली काली लाल करें। कर्णिका में प्रणव अर्थ बताने वाले मंत्र लिखें। उसके ऊपर अमरेश, मध्य में महाकाल और उसके सिर के निकट दंड लिखें। उसके बाद ईश्वर का नाम लिखें।
फिर श्याम अर्थात काले रंग में सिंहासन और पीले रंग में श्रीकंठ को रंग कर अमरेश को लाल और महाकाल को काला रंग करें। ईश्वर को सफेद रंग से लिखें। ऐसा लाल यंत्र संध्योजा मंत्र से दान करें। फिर नाद से ईशान को भेद कर अग्नि क्रम से बाहरी पंक्ति को ग्रहण करें। चार कोणों को श्वेत और लाल धातु रंग से रंग कर चार दरवाजे बनाएं। इन दरवाजों के चारों ओर पीले रंग हों। दक्षिण दिशा के कोष्ठ में 8 दल का कमल रखें। इस प्रकार विधि विधान से सभी दिशाओं के मंडल को अंकित करके सूर्यदेव की पूजा करें। छठा अध्याय न्यास वर्णन। भगवान शिव बोले, ऋषिगण कमल की रचना कर शक्ति कमल की रचना करें और चतुर्थी विभक्ति सहित अंत में नमः लगाकर शक्ति कमलाय नमः का उच्चारण करते हुए वस्तुओं को धारण करके गुरु को नमस्कार करें। बाहर की ओर त्रिकोण व्रत क्रम से शंख की पूजा करें और शुद्ध सुगंधित जल से 7 बार गंध पुष्प से ओम की पूजा अर्चना कर धेनु मुद्रा दिखाएं, फिर शंख मुद्रा दिखाएं। यह कहकर अपनी आत्मा को शुद्ध करें। प्राणायाम करके ऋषि का स्मरण करें। अंग न्यास करने के बाद अस्त्र मंत्र से अग्नि कोण के कमल का प्रक्षण करें। दक्षिण में स्थापित कमल का पूजन सफेद वस्तुओं से ही करें। तत्पश्चात इसकी चारों तरफ से पूजा करें। इसके बाद सौर योग पीठ को पूजें। सिंहासन पर मूल मंत्र से मूलाधार में आसन पर बैठकर पिंगला नाड़ी की प्रवाह से शक्ति उठाएं। जिस स्थान पर परमेश्वर शिव देवी पार्वती सहित शोभित हैं, उन्होंने रुद्राक्ष की माला पाश खटवांग कपाल अंकुश कमल और शंख को धारण किया है। 4 मुख और 12 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। तत्पश्चात सूर्य देवता का आवाहन करें और मुद्रा दिखाएं। फिर बीज मंत्रों से अंग न्यास करें। अग्नि ईश्वर राक्षस और वासु की 4 मूर्तियां बनाकर उनका पूजन करें। पूरब से लेकर उत्तर में मूल कमल दल से आदित्य भास्कर भानु और रवि के नाम से क्रमशः सूर्य ब्रह्मा विष्णु महेश और ईशान का पूजन करें। फिर शिव भक्ति में रत हो उनका स्मरण कर भस्म धारण करें। तत्पश्चात गुरु की नम्रता पूर्वक पंचोपचार से पूजन कर उन्हें नमस्कार करें। पूजन को विधि के अनुसार आगे बढ़ाते हुए ईशान का न्यास कर पंच कलाक्रम से सद्योजात की कल्पना करें। इस प्रकार प्रणों न्यास करके देवादिदेव महादेव परमात्मा शिव को बांध कर हंस न्यास करें। सातवां अध्याय शिव ध्यान एवं पूजन। शिव जी बोले, मुनीश्वरों अपनी बाईं ओर चौकोर मंडल बनाकर ओम का पूजन अर्चन करें। ओम को अस्त्र मंत्र से शोभित करें। इस प्रकार प्राणों का भी पूजन करें। फिर उसे चंदन धूप सुगंधित जल से पूर्ण करें। उसके आगे शंख मुद्रा अर्धचंद्र चतुर्कोण त्रिकोण मुद्रा एवं षटकोण मुद्रा आदि स्थापित करें। फिर ओमकार को गंध एवं पुष्प आदि से पूजें और उसमें पवित्र गंगाजल भरें। गुरु द्वारा बताई गई विधि के अनुसार गुरु मूर्ति की स्थापना करें। गुरुभ्यो नमः मंत्र का जाप करते हुए
गुरु की प्रदक्षिणा लें, गुरु द्वारा दी गई दीक्षा को बैठकर ध्यान करें, तत्पश्चात स्थापित मूर्ति में देवता का आवाहन करें, एकाग्र चित्त होकर मन में उसका ध्यान करें, गणेश जी का षोडशोपचार से पूजन कर उस पर फल एवं फूल माला चढ़ाएं, नमस्कार कर स्कंद को पूजें और गगनेय मंडल में सूर्य चंद्रमा का ध्यान करें, कमल के आसनों पर सुंदर सफेद पुष्प रखें और ओमकार सहित चतुर्थी विभक्ति के अंत में नमः लगाकर मंत्र बोलते हुए सविधि ईशान आदि पांच ब्रह्म की पूजा अर्चना करें। इसके बाद देवी गौरी की पूजा करें। इस प्रकार सविधि पूजन और ध्यान करके जो भी मनुष्य एवं देवता मेरी और देवी पार्वती की उपासना करते हैं और शंख के जल से स्नान कर ओमकार से मोक्षण करते हैं, उन्हें परम सिद्धि प्राप्त होती है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है, मोक्ष भी उनके लिए दुर्लभ नहीं है। आठवां अध्याय वर्ण पूजा। सर्वेश्वर शिव बोले, हे देवी, बुद्धिमान और विद्वान मनुष्य एवं देवगण को पूजा करते समय सर्वप्रथम गणेश और कार्तिकेय का पूजन करना चाहिए, तत्पश्चात वेदों के आदि स्वरूप अर्थात शिव का आवाहन कर पूर्व दिशा में कमल कणिका के ऊपर चारों ओर पूजा करें, आवो राजनम मंत्र का उच्चारण करते हुए रीवा से रुद्र की पूजा करें, फिर कणिका दलों में आवाहन करें, शिव को पूर्व में, हर को दक्षिण में, शिव को उत्तर में और भाव की पश्चिम दिशा में यथा क्रम के अनुसार पूजा करें। ओम रौम ओम पाम ओम ग्या ओम ला अपूर्ण पूर्णव अम ओम वाम ओम सान और वेद के इन 10 मंत्रों से लोकपालों का पूजन करें। तत्पश्चात दक्षिण दिशा में ईशान देव की पूजा करें। ब्रह्मा और विष्णु का विधि विधान के अनुसार षोडशोपचार से पूजन करें। फिर पांचवें आवरण में ओमकार रूपी शिव का स्मरण एवं ध्यान करते हुए सविधि पूजन करते हुए नैवेद्य चढ़ाएं और अर्घ दें। इसके बाद भोजन की सामग्री एवं तांबूल अर्पित करें। तब निराजन आदि क्रम से पूजा को विसर्जित कर देवी और देवता का शुद्ध हृदय से ध्यान करते हुए 108 मंत्रों का जाप करें। इसके पश्चात पुष्पांजलि अर्पित करते हुए यो देवानागीति उपनिषद की 6 ऋचाओं का, जो कि नारायणीय कही गई है, जाप करें। फिर प्रदक्षिणा कर साष्टांग प्रणाम करें। आसन पर बैठकर शिव नाम को 8 बार जपें। यह सब क्रिया पूर्ण करने के पश्चात त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे भगवान, हे शिव शंभु, मैंने अपनी पूरी क्षमता एवं श्रद्धा से आपकी पूजा और आराधना की है। यह कहते हुए शंख के जल और पुष्पों को चढ़ाएं, फिर अर्घ देकर 8 बार नाम जपें। 9वां अध्याय शिव के अनेक नाम और ओमकार। शिव जी बोले, हे देवी, शिव, महेश्वर, रुद्र, पितामह, संसार, वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा, ये देवाधिदेव महादेव के मुख्य 8 नाम हैं। इन्हीं 8 नामों का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। शिव, शंकर और महादेव
ये सभी नाम शिव स्वरूप ही हैं। उपाधि युक्त होने के कारण शिव के अनेक नाम हैं। वे परिशुद्धात्मा हैं। शिव के विशाल और अनगिनत गुणों के कारण ही उन्हें ईश्वर की संज्ञा दी गई है। 23 तत्वों से परे प्रकृति और प्रकृति से परे 25वां पुरुष हैं। इसी को वाच्य वाचक के भाव से वेद में ओमकार कहते हैं। वेद में जानने योग्य आत्मस्वरूप वेदांत में प्रतिष्ठित ही परमेश्वर है। पुरुष और प्रकृति इन्हीं के अधीन है। वही अविनाशिनी माया के स्वामी हैं और त्रिगुण तत्व के रक्षक हैं। वे शिव ही मोक्ष प्रदान करने वाले और सबके दुखों को दूर करने वाले हैं। इसी कारण उनका नाम रुद्र पड़ा। इस प्रकार शिव जी के मुखारविंद से वेद से भरे अमृतमय स्तोत्र को सुनकर देवी पार्वती मन में बहुत हर्षित हुई और उन्होंने शिव जी को हाथ जोड़कर बार बार प्रणाम किया। यह प्रणव अर्थ बहुत गुप्त है और समस्त दुखों का नाश करने वाला है। व्यास जी ने भक्ति भाव से पूरी कथा कही, जिसे सुनकर सभी ऋषिगणों ने उनकी पूजा और बहुत आदर सत्कार किया। तब प्रसन्न हो ऋषियों ने अनेक अनुष्ठान किए। फिर व्यास जी कैलाश पर्वत को चले गए। ऋषिगण अपने आराध्य भगवान शिव का ध्यान करने लगे। यह कथा देवी पार्वती ने स्कंद को, स्कंद ने नंदी को, नंदी ने सनत कुमार जी को और उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी को सुनाई। यह कहकर पुराण वेता गुरु सूत जी पुनः तीर्थ यात्रा पर चल पड़े। दसवां अध्याय सूतोपदेश वर्णन। व्यास जी बोले, ऋषिगण, सूत जी के वहां से चले जाने के पश्चात सभी मुनिगण आपस में बोले कि हमने वामदेव के बारे में तो कुछ भी नहीं पूछा। तब चिंतित मुनि बोले कि अब तो पता नहीं कब उनके दर्शन संभव हो सकेंगे। यही सब सोचते हुए मुनिगण अपनी योग आराधना में लग गए। संवत्सर के पश्चात सूत जी पुनः काशी आए। उन्हें वहां देखकर सभी मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। वे सब सूत जी की आराधना करने लगे। तब प्रसन्न होकर सूत जी बोले, ऋषिगण, आपको प्रणों का उपदेश देकर जब मैं तीर्थ यात्रा पर निकला तो मैंने दक्षिण सागर के तट पर देवी शिवा का पूजन किया। इसके पश्चात कालहस्त शैल पर सुवर्ण मुखरा में स्नान किया। फिर मैंने देवाधिदेव महादेव जी का स्मरण कर उनका पूजन किया। शिव जी के 5 सिर वाले अद्भुत रूप के दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव जी का पूजन करने के बाद मैंने दक्षिण भाग में स्थित देवी पार्वती का पूजन किया। उसके बाद मैंने 1000 पंचाक्षरी विद्या का जाप किया। फिर उसकी प्रदक्षिणा कर नमस्कार किया। इस प्रकार मैं कालहस्ती नामक क्षेत्र की प्रदक्षिणा प्रतिदिन करते हुए वही निवास करने लगा। मैं वहां पर 4 महीने रहा। तब मुझ पर महाज्ञानमयी प्रसून कालिका की कृपा दृष्टि हुई और उनका प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ। तत्पश्चात देवादिदेव शिव शिवा को प्रणाम कर उनकी 12 बार प्रदक्षिणा करके मैं यहाँ आया हूँ। हे ऋषिगण, आप मुझे बताइए कि मैं अब आपके लिए क्या करूँ। 11वां अध्याय वामदेव द्वारा ब्रह्म निरूपण। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, हम सभी वामदेव के बारे में जानना चाहते हैं, कृपा कर हमें उनके बारे में बताइए।
तब ऋषिगणों की जिज्ञासा शांत करने हेतु सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, पहले मन्वंतर में वामदेव नामक एक महामुनि हुए। वामदेव को गर्भ से उत्पन्न होने से पूर्व ही शिव ज्ञान प्राप्त था। वे सबके जन्म कर्म को जानने वाले थे। वामदेव मुनि सदा अपने शरीर पर भस्म लगाकर और सिर पर जटा धारण किए रहते थे। वे शांत और अहंकार रहित थे और सदा योग, ध्यान और ब्रह्म में लीन रहते थे। एक बार वामदेव ने दक्षिण शिखर पर जाकर शिवजी के पुत्र स्कंद से भेंट की। उस समय स्कंद का रूप सूर्य के समान तेजो दीप्त होकर प्रकाशित हो रहा था। उनकी चार भुजाएं थी और वे मोर पर बैठे हुए थे। उन्हें देखकर मुनि वामदेव ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनकी बहुत स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर शिव जी के पुत्र स्कंद बोले, हे महामुनि, मैं आपकी इस स्तुति से बहुत संतुष्ट हूँ। आप जैसे मुनि सदा दूसरों के हित के लिए ही कार्य करते हैं। आपकी जो इच्छा हो कहिए, मैं उसे अवश्य ही पूरा करूँगा। तब वामदेव जी स्कंद देव से बोले, भगवान, आप सब कुछ जानने वाले और सबके कर्ता हैं। आपके दर्शनों से ही मेरी सभी कामनाएं पूरी हो गईं। मैं भला आपके गुणों का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। आप तो साक्षात परमेश्वर वाचक देव पशुपति वाच्य हैं। वे सभी के पाप मोचक हैं। प्रणव मंत्र द्वारा त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का ध्यान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ओमकार सर्वस्वरूप है और ओम सबकी श्रुति और ब्रह्म स्वरूप है। प्रभु, मेरे दृष्टिकोण से इस संसार में शिव जी के समान दूसरा कोई नहीं है। वे ही समाविष्ट और व्यष्टि स्वरूप हैं। बारहवां अध्याय। साक्षात शिव स्वरूप ही प्रणव है। स्कंद जी बोले, हे वामदेव जी, आप धन्य हैं। आप परम शिव भक्त और शिव तत्व ज्ञान जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। इस संसार में जीव माया से मोहित होकर परमेश्वर के रूप को नहीं समझ पाते। प्रणव महेश्वर का ही रूप है, जिसे साधारण जीव नहीं समझ पाते। देवाधिदेव भगवान शिव ही सगुण, निर्गुण और ब्रह्म नामक त्रिगुणों के स्वामी हैं। साक्षात शिव स्वरूप ही प्रणव का अर्थ है। वे ही इस संसार के उत्पत्ति का कारण है। शिव जी ने ही ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, आकाश, पाताल, जीव सभी का निर्माण किया है। सूर्य और चंद्रमा शिव जी के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। इस संसार में दिखाई देने वाला सारा ऐश्वर्य शिव जी का ही है। निर्गुण सगुण निष्फल हैं। वे ही स्थूल और सूक्ष्म रूप होकर संसार के कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। वे ही शिव, देवाधिदेव, संतान, निष्फल और ज्ञान क्रिया के परमात्मा हैं। देव पंचक और पंचक कला भी उनकी बनाई हुई है। परमात्मा शिव का मन शीतल और स्फटिक मणि के समान निर्मल है। भगवान शिव के 5 मुख, 10 भुजा और 15 नेत्र हैं। जो इष्मन देव मुकुट धारण किए औघर, हृदय, वामदेव, गुह्य और प्रदेशवान है। वे परमेश्वर शिव ही सत्यपाद, तनमूर्ति, साक्षात, संपूर्ण, निष्फल और मूर्ति नामक 6 प्रकार का स्वरूप धारण करने वाले हैं। वे ही उपन्यास मार्ग पर चलने वाले समष्टि और व्यष्टि भाव वाले हैं। इस संसार में विख्यात 3 वर्णों को वेदाचारी कहा गया है। शूद्रों को वेद पढ़ने और जानने का अधिकार नहीं है।
अन्य वर्णों को श्रुति, स्मृति एवं धर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए। इससे ही इंद्र सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान शिव की ही आज्ञा के अनुसार वेद मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। श्रुति स्मृति में वर्णित धर्म और आचारों के अनुसार ही आचरण एवं पूजा करें। तेरहवां अध्याय। प्रणव सब मंत्रों का बीज रूप है। स्कंद जी बोले, हे वामदेव जी, प्रातःकाल स्नान से निवृत्त होने के पश्चात गंध, पुष्प और अक्षत आदि पूजा की सामग्रियों से भगवान शिव और श्री गणेश का विधि पूर्वक पूजन और ध्यान करें। पूर्णाहुति देकर हवन करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इसी प्रकार सायंकाल में संध्या करें। सद्योजात के 5 मंत्रों से हवन करें। मन में भगवान शिव का देवी पार्वती सहित ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए आहुति दें। भूर्भुवः सुवरोत्र कहते हुए त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का ध्यान करें। देवाधिदेव महादेव जी के 5 मुख, 10 भुजाएं, 15 नेत्र और उज्जवल मनोहारी स्वरूप है। उनकी पत्नी देवी पार्वती जगत माता त्रिलोक को उत्पन्न करने वाली और निर्गुणमयी है। ऐसा मन में विचार करते हुए ज्ञानी पुरुष गायत्री मंत्र का जाप करें। पार्वती जी ही आदि देवी, त्रिपदा, ब्राह्मणत्व दात्री और अजा है। ये व्याहृतियों से उत्पन्न है और उसी में लीन हो जाती हैं। वे जगत माता देवी पार्वती वेदों की आदि प्रणव और शिवपात्री हैं। प्रणव मंत्र ही सब मंत्रों का बीज रूप है। प्रणव ही शिव है और शिव ही प्रणव है। मोक्ष की नगरी काशी में मरने वाले मनुष्य को शिव जी इसी मंत्र की शिक्षा देते हैं, तभी ज्ञानी पुरुष को मुक्ति मिल जाती है। इसलिए सभी को अपने हृदय में भगवान शिव को धारण कर सदा उनका पूजन करना चाहिए। चौदहवां अध्याय। शिव रूप वर्णन। वामदेव बोले, हे भगवान, वे 6 प्रकार के अर्थ कौन से हैं और उनका क्या ज्ञान है? इनके प्रतिपादक कौन है और इनका क्या फल है? इस संसार में वह कौन सा ज्ञान है जिसे जाने बिना जीव शास्त्रों से विमोहित हो जाता है? मैं भी शिव माया से विमोहित हूँ। मैं कुछ भी नहीं जानता। आपकी शरण में आया हूँ। मुझ पर कृपा कर मुझे ज्ञान रूपी अमृत पिलाइए ताकि मेरी अज्ञानता दूर हो जाए। मुनि वामदेव के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए शिव पुत्र स्कंद बोले, हे मुनि शार्दुल, इस संसार में भगवान शिव ही समस्त प्रणवार्थ परिज्ञान के भंडार हैं। वे ही समष्टि व्यष्टि का भाव रखते हैं। अब मैं एक ही परिज्ञान के 6 अर्थों का वर्णन करता हूँ, जिनमें पहला मंत्र रूप, दूसरा भाव, तीसरा देवार्थ, चौथा प्रपंचार्थ, 5वां गुरु रूप और 6वां शिष्य के आत्मानुरूप कार्य है। पहला स्वर आकार, दूसरा उकार, तीसरा मकार है। इसी पर नाद रूपी बिंदु है। इन्हीं को वेद में ओमकार कहा गया है। यही समष्टि रूप है। नाद में ही सबकी समष्टि है। आकार, उकार और मकार ये सब बिंदु नाद के आदि हैं। व्यष्टि रूप में सिद्ध होकर ओमकार की उत्पत्ति होती है, जो शिव जी का याचक है। इसी प्रकार ओमकार रूपी 5 वर्णों की समष्टि कला भी शिव जी की वाचक है, जो त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के उपदेश मार्ग का अनुसरण करते हैं। उन्हें अवश्य ही
शिव पद की प्राप्ति होती है। प्रणव मंत्र शिव का ही रूप है। 15वां अध्याय उपासना मूर्ति। भगवान स्कंद बोले, त्रिलोकीनाथ, कल्याणकारी भगवान शिव ही इस संसार के सृष्टिकर्ता और आकाश के अधिपति हैं। वे ही समष्टि हैं और वे ही व्यष्टि भी हैं। उन्हीं देवाधिदेव सदा शिव से महेश्वर की उत्पत्ति हुई है। अनंत रूप पुरुष होने के कारण वे वायु के भी अधिपति हैं। वे ही सभी प्रकार की मायाओं और शक्तियों से युक्त हैं। ईश्वर, विश्वेश्वर, परमेश्वर और सर्वेश्वर, यही चतुष्टय व्यष्टि रूप कहा गया है। यही श्रेष्ठ तिरोभाव चक्र कहा जाता है। तिरोभाव दो प्रकार का होता है, रुद्रादि गोचर एवं जीव समूह का शरीर रूप। पाप और पुण्य जब तक इस संसार में है तब तक इसमें कर्म की साम्यता रहती है। इसी में अनुग्रह करने की सामर्थ्य होती है। इसी विभू में तिरोभाव और कर्म की साम्यता होती है। वही कल्याणकारी भगवान शिव ही साक्षात परब्रह्म, निर्विकल्प तथा निरामय स्वरूप है। तिरोभाव के शांति कला में तिरोभाव चक्र को महेश्वर के अधिष्ठित उत्तम पद कहा गया है। महेश्वर के चरणों के सच्चे हृदय से भक्ति करने वाले को यही पद प्राप्त होता है। उन्हीं महेश्वर के हजारवें अंश से रुद्र उत्पन्न हुए हैं। वे अधीर शरीरधारी और तेज तत्व के स्वामी हैं। वे प्रभु ही वाम भाग में देवी गौरी शक्ति धारण करते हैं। रुद्र ही पापियों का संहार करने वाले हैं। व्यष्टि रूप शिव हर, मुंड और भव अद्भुत चक्र विदित हैं। ये सप्रावरण से रक्षित होते हैं। इनके ऊपर की ओर 10 गुना जल है। इनके जल के मध्य में रहने वाले को श्रुति द्वारा जल मध्यसाई कहा जाता है। भगवान शिव अनुग्रह, तिरुभाव, संहार, स्थित और सृष्टि से युक्त होकर नई नई लीलाएं करते रहते हैं। वे ही सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। 16वां अध्याय शिव तत्व विवेचन। सूत जी बोले, मुनि वामदेव को भगवान स्कंद के मुख से ओमकार रूपी अमृत कथा का श्रवण करके आनंद की अनुभूति हुई। वे बोले, प्रभु, इस अमृतमयी कथा को सुनकर मेरा ज्ञान और बढ़ गया है, परंतु फिर भी मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। भगवान, सदा शिव से लेकर कीर्ति पर्यंत तक इस जगत में स्त्री पुरुष ही दिखाई देते हैं। इस रूपवान अद्भुत संसार की उत्पत्ति का कारण वे परमेश्वर ही हैं या कोई अन्य रूप है? विद्वान और शास्त्रों के अनुसार इसके अनेक प्रकारों का वर्णन करते हैं। कृपा कर मुझे जगत सृष्टा भगवान शिव के भाव का वर्णन कीजिए। मुनि वामदेव के इस प्रकार उपनिषद गर्भित रहस्य को समझकर स्कंद देव बोले, हे महामुनि, जिन परम शिव तत्व शिव ज्ञान को आप सुनना चाहते हैं वह मैं आपको सुनाता हूँ। यही ज्ञान मेरे पिता देवाधिदेव भगवान शिव ने मेरी माता देवी पार्वती को सुनाया था। उस समय मैं छोटा सा बालक था और माँ की गोद में बैठकर दूध पी रहा था। वे बातें आज भी मुझे याद हैं। कर्म सत्ता से लेकर सभी शास्त्रों में लिखा सभी कुछ ज्ञानदायक है। आप जैसे ज्ञानी पुरुष ही इतना कुछ जानते हुए भी भगवान के विषय में और अधिक जानने की जिज्ञासा रखते हैं।
परंतु मूर्ख और अज्ञानी पुरुष तो सब कुछ जानते और समझते हुए भी ईश्वर के स्वरूप से इनकार कर देते हैं। परमेश्वर परमात्मा को जानना एवं उन्हें पहचानने में कोई संदेह एवं परेशानी नहीं है। वे स्त्री पुरुष के रूप में विश्व के सामने प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। श्रुतियों ने ही कहा है कि सच्चिदानंद परब्रह्म सिर्फ सत्य है। जो भी असत्य एवं प्रपंचों से निवृत्त अथवा दूर होकर सदाचार के मार्ग का अनुसरण करते हैं वे सदात्मा कहलाते हैं। वही प्रकाश से चित्त होकर जगत के कारण बन जाते हैं। वे ही शिव भक्ति भाव को प्राप्त हुए हैं। उन्हीं को भगवान शिव और शक्ति संयोग से परम आनंद की प्राप्ति होती है। सत्रहवां अध्याय। शिव ही प्रकृति के कारण रूप हैं। वामदेव जी बोले, भगवान, पूर्व में आपने ही प्रकृति के नीचे नियति और ऊपर पुरुष बताया था, फिर आज आप यह क्या कह रहे हैं? प्रभु, मेरा संशय दूर कीजिए। तब मुनि वामदेव जी के वचन सुनकर स्कंद जी बोले, हे मुने, अद्वैत सेवावाद में द्वैत सेवावाद का कोई समावेश नहीं होता। यह नश्वर और अविनाशी है। भगवान शिव ही सच्चिदानंद स्वरूप वाले परम ब्रह्म हैं। इन्हीं त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी शिव को ही सर्वज्ञ, सबका कर्ता एवं त्रिवेदों का उत्पादक कहा जाता है। वे सर्वेश्वर शिव ही अपनी माया और इच्छा के अनुरूप संकुचित रूप धारण कर पांचों कला में निपुण पुरुष हो गए हैं। वे ही भोक्ता हैं जो कि प्रकृति के सभी गुणों को भोगने वाले हैं। वे ही समष्टि और चित्त प्रकृति तत्व के स्वामी हैं। प्रकृति के गुण सत्व से उत्पन्न हुए हैं। गुणों से बुद्धि और बुद्धि से ही अहंकार की उत्पत्ति होती है। तब उससे तेज और उससे मन, बुद्धि और इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। मन के रूप को संकल्प विकल्पात्मक कहा गया है। बुद्धि, इंद्रिय, कान, त्वक, चक्षु, जिह्वा, शब्द, रूप, स्पर्श, रस, गंध, प्रवृत्ति को बुद्धि और इंद्रियों में श्रोत का क्रम कहा गया है। वैचारिक अहंकार से कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, जिन्हें मुनियों ने सूक्ष्म कहा है। फिर तन्मात्राएं और शब्द के रूप हुए, जिनसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ये ही पंच महाभूत कहलाते हैं। शब्द आदि रूप, रस, गंध उनकी तन्मात्राएं कहलाएं। आकाश, वहन, पाचन, वेग आदि पांच महाकलाएं हैं। इस प्रकार स्कंद जी का वेदांत युक्त वचन सुनकर मुनि वामदेव बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर पृथ्वी पर लेटकर उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। उनके चरणारविंदों में उन्हें परम तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया था। अठारहवां अध्याय। शिष्य धर्म। सूत जी बोले, मुनि वामदेव ने भगवान स्कंद से पूछा, हे भगवान, आप सर्व तत्व को जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। आप मुझ पर कृपा करके संप्रदाय के उस ज्ञान के बारे में बताइए जिसके बिना जीवों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। प्रभु, कृपा कर मेरे इस संशय को दूर कीजिए। तब वामदेव जी के इन वचनों को सुनकर स्कंद देव बोले, मुनीश्वर, अब मैं आपको एक परम गुप्त तत्व के बारे में बताता हूँ। वैशाख
श्रावण, आश्विन, कार्तिक, अगहन, माघ महीनों के शुक्ल पक्ष में पंचमी अथवा पूर्णिमा के दिन स्नान करके शुद्ध होकर अपने गुरु के चरणों को धोकर उनके पास रखे आसन पर शंख में फूलों को अभिमंत्रित करके रखें। तत्पश्चात गंध और पुष्प से पूजन करें। उसके समक्ष दीप प्रज्वलित करें। मुद्रा से रक्षा कर कवच को मंत्रों से आच्छादित करें। तत्पश्चात विधि पूर्वक अर्घ्य दें और सुगंधित पुष्पों से पूजन करें। आधार पर सुगंधित जल का घट रखकर उसे सूत से लपेटें। उस घट पर पीपल, पिलखन, जामुन, आम और बड़ नामक पांचों पेड़ों की छाल और पत्ते तथा हाथी, घोड़े, रथ, बांबी और नदी के संगम स्थान की मिट्टी में सुगंधी को मिलाकर उसे कलश पर लेपें। लेपने के बाद आम के पत्ते, कुश का अग्र, नारियल, फूल आदि वस्तुओं से कलश को सजाएं। सजाने के बाद कलश में पंचरत्न डालें। यदि पंचरत्न न हो तो सुवर्ण डालें। नील, माणिक्य, सुवर्ण, मूंगा और गोमेद नामक पांच रत्नों को निर्मलस्क का उच्चारण करते हुए अंत में ग्लूमू कहते हुए विधि विधान से पूजन करें। खीर और तांबूल अर्पित कर आठ नामों का जाप करते हुए पूजा करें। गुरु द्वारा बताई गई विधि से अनुष्ठान सहित भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। फिर गुरु को अपने शिष्य को हम सो हम मंत्र का उपदेश देना चाहिए। उपदेश के बाद भस्म का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। उस समय गुरु को अपने मन में यही विचार करना चाहिए कि मैं ही शिव हूँ। इस प्रकार शिष्य को ज्ञान दें। उन्नीसवां अध्याय योगपट वर्णन। भगवान स्कंद बोले, मुनि वामदेव, अपने शिष्य को पूजा विधि का वर्णन करने के पश्चात गुरु निम्न बातों का उच्चारण करे। मैं ब्रह्म हूं, वह तू है, आत्मा ही ब्रह्म है, सारा संसार ईश्वर से अधिष्ठित होता है, मैं ही प्राण हूं, आत्मा ही ज्ञान का सार है, प्रज्ञान आत्मा ही यहां विदित अवस्थित है, वही तुम्हारा मेरा अर्थात सबका अंतर्यामी है, वही ज्ञान रूपी अमृत है, वह एक ही पुरुष में और आदित्य में है, वही परब्रह्म मैं हूं, सबसे परे और सबका ज्ञाता और वेद शास्त्रों का गुरु मैं ही हूं, इस संसार में सारे आनंद का क्षण मैं ही हूं, सर्वभूतों के हृदय में व्याप्त रहने वाला मैं ही ईश्वर हूं, सारे तत्वों का और पृथ्वी का प्राण मैं ही हूं, मैं ही जल और तेज का प्राण हूं, आकाश और वायु का प्राण मैं हूं, मैं ही त्रिगुण का प्राण हूं, मैं ही अद्वितीय और सर्वात्मक हूं, यह सब ब्रह्म रूप है, मैं ही मुक्त स्वरूप हूं, इसलिए मेरा ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार भगवान स्कंद ने वामदेव जी से योगपट का वर्णन किया। 20वां अध्याय शौर एवं स्नान विधि। भगवान स्कंद बोले, हे मुनीश्वर, अब मैं आपको यतियों को शुद्धि प्रदान करने वाले शौर और स्नान की विधि बताता हूं। जब शिष्य योग पद को प्राप्त हो जाए तब व्रत करने से पूर्व शौर करना चाहिए। गुरु को नमस्कार कर उनकी आज्ञा से शौर कराएं। फिर नाई के कपड़े को
मिट्टी और जल से धुलाए। फिर शिव नाम का उच्चारण करते हुए हाथ की अनामिका और अंगूठे को अभिमंत्रित करें। आंखें बंद कर मंत्र का उच्चारण करें और दाहिनी ओर से छोर कराएं, आगे से पीछे की ओर सिर मुड़वाएं और फिर मूछें भी साफ कराएं और नाखून काट लें। तत्पश्चात नदी में 12 डुबकी लगाकर स्नान करें। बेल, पीपल या तुलसी के नीचे की मिट्टी लेकर उसका प्रोक्षण कर अभिमंत्रित करें। उस मिट्टी के 3 भाग करें। एक भाग से 12 बार हाथ मलकर साफ करें। दूसरे भाग की मिट्टी को सिर से मुंह तक लेप करके 12 बार जल में डुबकी लगाएं। फिर 16 बार कुल्ला कर 2 बार आचमन करें। बची हुई मिट्टी का पूरे शरीर पर लेप करें। मन में ओमकार का भक्ति पूर्वक जाप करते हुए 16 बार प्राणायाम करें। फिर ज्ञान देने वाले गुरु का ध्यान करते हुए 3 बार साष्टांग प्रणाम करें। तत्पश्चात तीर्थ स्थान के जल में डुबकी लगाते हुए त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव का स्मरण करें। वे देवाधिदेव महादेव ही संसार को तारने वाले हैं, वे ही सबका कल्याण करते हैं। इस प्रकार मैंने आपको स्नान की पुण्य विधि बताई। इक्कीसवां अध्याय, योगियों को उत्तरायण प्राप्ति। मुनि वामदेव बोले, हे भगवान स्कंद जी, मैंने सुना है कि योगियों का दाह कर्म नहीं किया जाता, उन्हें तो शुद्ध भूमि में स्थापित कर दिया जाता है, क्या यह सच है? तब मुनिवर के प्रश्न का उत्तर देते हुए असुर निकंदन स्कंद जी बोले, हे मुनिवर, यह प्रश्न एक बार महान शिव योगी भृगु ने स्वयं सर्वज्ञ त्रिलोकीनाथ भगवान शिव से किया था। उस समय जो शिव जी ने बताया था वही मैं तुम्हें बताता हूं। यह परम ज्ञान सब साधारण मनुष्यों के लिए नहीं है। इस ज्ञान को शांत चित्त वाले परम शिव भक्त शिष्य को ही बताना चाहिए, क्योंकि महाधैर्यवान योगी जन ही समाधि अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं और वे ही शिव रूप से परिपूर्ण होते हैं। परंतु जो योगी मुनि अपने चित्त अर्थात मन को स्थिर करने में असमर्थ होते हैं और जल्द ही अधीर हो उठते हैं, जिन्हें समाधि की अवस्था का ज्ञान प्राप्त नहीं है, ऐसे योगियों को गुरु मुख से शिव जी का ज्ञान जानकर ध्यान करना चाहिए। प्रतिदिन प्रणव मंत्र का जाप करें और भगवान शिव का स्मरण करें, तभी योगी जनों को उत्तरायण की प्राप्ति होती है। बाईसवां अध्याय, एकादशी पद्धति। भगवान स्कंद बोले, मुनिवर, अब मैं आपको एकादशी विधि बताता हूं। एक वेदी को लीप कर 5 मंडल बनाएं और उसमें 5 देवताओं की पूजा करें। भगवान शिव सर्वेश्वर हैं, उनकी कृपा से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं, इसलिए हमें उनकी कृपा को नहीं भूलना चाहिए। भगवान शिव का स्वरूप मानकर शिवात्म देवताओं का ध्यान करके उनके चरणों में शंख के जल को समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र का जाप कर धूप दीप से प्रदक्षिणा कर नमस्कार करें। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि भगवान, आप प्रसन्न होकर यति को शिव चरणों में रक्षित करें। प्रार्थना के पश्चात प्रसाद को कन्याओं को बांट दें। इसके पश्चात यति का पावन श्राद्ध करें, क्योंकि यति का एकादिष्ट श्राद्ध नहीं होता।
चार ब्राह्मणों को आमंत्रित करें, उनके चरण धोकर शिव जी की विधि विधान के अनुसार पूजा कर उनके समक्ष ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं। गोबर से लीपे स्थान पर रखे कुश के आसन पर बैठकर कहें कि मैं पिंडों को दान करता हूँ। ऐसा संकल्प करके तीन मंडलों का अपने परमात्मा, अंतरात्मा और आत्मा के लिए पूजा करें। मन में यह विचार करते हुए कि हमने आत्मा को पिंड दिया है, पिंड दान करें। कुश से जल छिड़ककर प्रदक्षिणा और नमस्कार करें, तत्पश्चात ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। ऐसा करने के बाद रक्षा के लिए श्री हरि विष्णु की महापूजा करें और नारायण को बलि दें। अंत में वेदों और शास्त्रों को जानने वाले 12 ब्राह्मणों का गंध, अक्षत और पुष्पों से पूजन करें और प्रार्थना करें। कुश आसन पर पायस बलि दें। मुनि वामदेव, यह मैंने आपको एकादश की विधि बताई है। तेईसवां अध्याय, शिष्य वर्ग का वर्णन। स्कंद देव बोले, मुनि वामदेव, 12वें दिन प्रातः उठकर स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। मध्याह्न में ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर उन्हें भोजन कराएं। मन में गुरु पूजन का संकल्प करें। गुरु के चरण धोकर उन्हें आसन पर बैठाकर कुशाओं और धूप दीप से आराधना करें। गुरु को नमस्कार कर मंत्र का जाप करते हुए अक्षत अर्पित करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें आसन पर बैठाएं, फिर तांबूल देकर दक्षिणा में छतरी, पादुका, पंखा, चौकी और वेणु दंड देकर उनकी प्रदक्षिणा कर नमस्कार करें। उनके चरण छूकर आशीर्वाद पाकर उन्हें विदा करें। अन्य अतिथियों एवं दीन अनाथों को भोजन कराएं। इसी प्रकार प्रतिवर्ष गुरु की पूजा करें। गुरु की उत्तम आराधना से निश्चय ही शिव लोक की प्राप्ति होती है। मुनिवर, वैशंपायन, पैल, जैमिनी और सुमंतु नामक चारों महामुनि तेजस्वी व्यास के शिष्य हैं। वामदेव, अगस्त्य, पुलस्त्य और क्रतु योगीवर सनत कुमार जी के शिष्य हैं। ये सभी मुनि अद्भुत और भगवान शिव के परम भक्त हैं। इन्होंने ही पंच महाभूतों से आवृत वेदांत सिद्धांत का परम निश्चय किया है। यह मोहनाशक, ज्ञानदायक और संतोषदायक है। यह जगत का कल्याण करने वाला और लक्ष्मी प्रदान करने वाला है। त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव का ध्यान और स्मरण सदा करने से योगी जन शिव स्वरूप हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव का भजन और ध्यान करने से मनुष्यों को मोक्ष प्राप्त होता है तथा उनकी सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। कल्याणकारी देवाधिदेव महादेव जी की आराधना सभी दुखों का नाश कर सुख प्रदान करने वाली तथा भोग मोक्ष देने वाली है। इस प्रकार वामदेव जी को उपदेश देकर और उनसे पूजित होकर स्कंद देव अपने माता पिता का स्मरण करते हुए कैलाश पर्वत को चले गए। तब मुनिवर वामदेव भी भगवान स्कंद का अनुसरण करते हुए कैलाश पर गए। वहां पहुंचकर वामदेव मुनि ने भगवान शिव पार्वती के चरणों में अपना शीश नवाया, फिर उनके समक्ष पृथ्वी पर लेटकर अपने आराध्य सर्वेश्वर शिव और देवी पार्वती की स्तुति की तथा उनको शीश नवाया। तत्पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाकर वहीं रहने लगे। इस प्रकार आपको ओमकार महेश्वर का अर्थ जानकर इस परम ज्ञान को प्राप्त करके
सदा प्रभु के चरणों का स्मरण करना चाहिए। वे कल्याणकारी शिव ही भक्ति और मुक्ति के दाता हैं। हे मुनीश्वरों, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। यह कहकर वे बद्रिकाश्रम को चले गए। इस प्रकार 23वें अध्याय के साथ श्री कैलाश संहिता संपूर्ण हुई। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म के प्रसार के लिए अथक प्रयत्न कर रहा है। इस यात्रा में अब हमें आप सभी के सहयोग की और अधिक आवश्यकता है, ताकि हम अपने वेदों, पुराणों, उपनिषदों और शास्त्रों आदि का ऑडियो बुक के रूप में पुनर्संकलन कर भावी पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित कर सकें। तो आइए, इस बृहद कार्य को साकार करने हेतु हम सभी साथ मिलकर इस जिम्मेदारी का वहन करते हैं। इस शुभ कार्य हेतु आपसे न्यूनतम अंशदान मात्र 1 रुपये प्रति व्यक्ति की अपेक्षा है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी राशि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पेमेंट आईडी के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं आपसे श्री वायव्य संहिता पूर्वार्ध के एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।